तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आता या आपकी वीडियो वायरल नहीं होती या फिर आप एक बिल्कुल नए यूट्यूबर हो, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो भी आप अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब सिर्फ बड़े क्रिएटर की वीडियो को वायरल करता है। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यूट्यूब पर और YT स्टूडियो में सुबह से एक बग चल रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। इसके ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया। यहाँ पर आप देखो, मैंने भी इस पर वीडियो बनाया था तो और वीडियोज़ के मुकाबले काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर व्यूज़ देखने को मिला है। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ मेरी वीडियो के बारे में, उसको आपको बताऊँगा कि भाई कितना ज़्यादा इस टॉपिक से फायदा हुआ है लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने 7 घंटे पहले ये वीडियो बनाया था और वीडियोस के मुकाबले सबसे अच्छा वीडियो मेरा यहाँ पे चल रहा है। 3500 व्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 7 घंटे में आप देख सकते हो ज़्यादातर जो व्यूज़ आ रहा है वो यूट्यूब सर्च से आ रहा है, क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। ब्राउज फीचर से भी लोगों ने देखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन से भी देखा है। और यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो से मुझे कितना अच्छा सब्सक्राइबर मिला है, 3500 व्यूज़ पर यहाँ पे लगभग मुझे 16 सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो और यूट्यूब सर्च से यहाँ पे व्यूज़ आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा दूँ, तो वीडियो को यार लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखो, यूट्यूब पे अगर आप सबसे पहले कोई काम करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रॉब्लम को मैंने यूट्यूब पे जाकर सर्च किया तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि यार जिस भी बंदे ने इसके ऊपर वीडियो बना रखा उसको कितना ज़्यादा फायदा हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हालांकि ये तो बड़े क्रिएटर का यहाँ पे चैनल आ चुका है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देखो काफ़ी सारे जो नए क्रिएटर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है। आप यहाँ पे देखो, 3 घंटे पहले इस बंदे ने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, 1K यहाँ पे व्यूज़ मिला है। यहाँ पर टेक्निकल दोस्तों ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, 27,000 यहाँ पे व्यूज़ गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 8 घंटे में। और यहाँ पे दोस्तों इस बंदे की वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पे 11 घंटे पहले इसने अपलोड किए, जो सबसे पहले इस बंदे ने वीडियो डाली यहाँ पे, और यहाँ पे 32,000 इसके व्यूज़ गया। आप देख सकते हो और वीडियोस के मुकाबले इस बंदे ने अपने चैनल पर सिर्फ 3 ही वीडियो अपलोड कर रखी है। यहाँ पे देखो, 2 वीडियो पे 100 व्यूज़ भी नहीं आ रहा है, लेकिन इस वीडियो पे सिर्फ 32,000 व्यूज़ गया है। अब आप सोच सकते हो दोस्तों कि नए क्रिएटर है, नया यूट्यूबर है, लेकिन सबसे पहले इसने यूट्यूब पर काम किया है, सबसे पहले ये प्रॉब्लम के बारे में बताया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस बंदे की वीडियो पर 32,000 व्यूज़ गया, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, यूट्यूब पर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई अपडेट वगैरह आता है भाई, सबसे पहले आपको इसका सोल्यूशन बताना है या सबसे पहले आप लोगों को उसके बारे में वीडियो बना के डालनी है। ये मत सोचना कि आप एक नई यूट्यूबर हो तो यूट्यूब आपको सपोर्ट नहीं करेगा। देख सकते हो भाई, आपकी आंखों के सामने आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि सिर्फ 2 वीडियो अपलोड किए बंदे ने और यहाँ पर 3री वीडियो इसकी वायरल होगी, जबकि देख सकते हो आप लोग इसके पास सब्सक्राइबर भी शायद नहीं होंगे। आप देखो भाई कितना अच्छा इसका वीडियो यहाँ पे गया, वायरल गया, यूट्यूब सर्च से ज़्यादातर यहाँ पे व्यूज़ आ रहा है। तो भाई यही आपको बताना था कि यूट्यूब पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपको इसके ऊपर सबसे पहले वीडियो बनाना है।